हे भगवान, 35 छोरी रिजेक्ट करके चली गई, ये वाली 36 भी है। इससे तो मेरी सेटिंग करवाई दियो भगवान, आज जोड़ रहा हूँ। कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। यो तो बम्ब है। हेलो जी, राम राम, जय राम जी की। यू आर सो फनी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाय द वे, आप भी हरियाणा से हो क्या? नो, आई एम नॉट फ्रॉम हरियाणा, बट आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं हरियाणा से हूँ? अरे कुछ नहीं, बस वो मेरी माँ ने कही थी तेरी होने वाली बहू ना बहुत सुतरी होगी, आप तो बहुत सुतरे हो जी, इसलिए बस। थैंक यू सो मच फॉर नोटिसिंग माय ब्यूटी। बाय द वे, मुझे हरियाणवी लोग बहुत पसंद है। अच्छा जी, लगता है फिर तो अपनी जोड़ी बनी जानी है। What? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि मैं हरियाणवी हूँ ना। हाँ हाँ, वो तो पता लग ही रहा है। अच्छा वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं गुजराती फैमिली से हूँ। Oh my God, गुजरात, that's great, I love गुजराती फैमिलीज। Very nice. अच्छा वैसे अगर आप माइंड ना करो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, श्योर। आपको कैसे छोरे पसंद है? छोरे? आई मीन कैसे लड़के पसंद है? एक्चुअली मुझे ना ऐसे लड़के पसंद है जिनको गुजराती बोलनी अच्छे से आती हो। कई बात करू छू, मने गुजराती गमे छे। और हाँ, अगर वो चश्मा लगाते हो और उनके फेस पे एक छोटा सा तिल हो तो मजा ही आ जाए। क्या बात कर रहे हो, गाल पे तिल और चश्मा होना चाहिए, मेरे तो था पहले से, आपने नोटिस अभी किया होगा। और हाँ, उनकी ना फेवरेट डिश ढोकला होनी चाहिए। ढोकला? अरे ढोकला तो मेरी फेवरेट डिश है, अभी मैंने ढोकला ही तो ऑर्डर कर रखा है। और हाँ, उनको ना गरबा खेलना आना चाहिए, गरबा खेलते वक्त लड़के इतने क्यूट लगते हैं, क्या ही बताऊँ मैं आपको। गरबा? अरे गरबे का तो एक्सपर्ट हूँ मैं, हे जीरे। और हाँ, उनकी फेवरेट IPL टीम गुजरात टाइटंस होनी चाहिए। क्या बोली? अरे ओ मैडम, एक मिनट, तेरे से दो बात प्यार की क्या कर ली, तू तो सर पे ही चढ़ गई। मारी फेवरेट IPL की टीम हरियाणा थी, हरियाणा है और हरियाणा ही रहूंगी, और यो वाला IPL भी हरियाणा ही जीतेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अरे पर हरियाणा की तो अपनी कोई IPL टीम ही नहीं है, तो हरियाणा कैसे जीतेगी? देख लेना, गुजरात ही जीतेगी। अच्छा ऐसे कैसे गुजरात जीत जाएगी? हाँ ये बात होगी, अगर हरियाणा की टीम ना है तो हरियाणा का बॉर्डर पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तो और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, तो पंजाब, दिल्ली, लखनऊ या राजस्थान में से कोई जीतेगी, गुजरात ना जीतता है, समझ गई? अच्छा ठीक है, गो टू हेल। अच्छा गो टू हेल, ठीक है फिर जा रहा हूँ, लेकिन हेल में नहीं जा रहा। और हाँ सुन मेरी बात, जो ढोकला मंगवा रखा है ना, ढोकले का बिल भरती जाइयो, हमें नहीं पसंद ढोकला वोकला। ओए वेटर, इस गुजराती मैडम से ढोकले का बिल ले लियो, हमें तो ढोकला घंटा नहीं पसंद। आई बड़ी गुजरात जीतेगी, और सुन बिल भरती हुई जाइयो, गुजरात नहीं जीतेगी। चल हाँ हाँ, भर दूंगी बिल, और देख लेना IPL तो गुजरात ही जीतेगी। ईगो हट कर दिया यार, ऐसे कैसे गुजरात टाइटन जीत जाएगी, अभी पिछला IPL तो जीती थी, एक बार को RCB बोलती ना तो समझ में भी आता। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और आपकी फेवरेट IPL टीम कौन सी है कमेंट करके बताओ, और ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये वाला IPL कौन सी टीम जीतेगी। हाल तो मैं यार मुंह पे बस सावर लगवा दिया, गुजरात जीतेगी, ऐसे कैसे जीत जाएगी गुजरात। तो देखना बेटा, पक्का दिल्ली कैपिटल ही जीतेगी। हाँ दादी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आज तो दिल्ली के प्लेयर बिल्कुल फुल फॉर्म में हैं। वैसे भी स्टार्टिंग के 5 मैच हार गई दिल्ली, क्या पता आज का जीत जाए। बस किसी की नजर ना लगे दिल्ली की टीम को, अब तक ना बहुत ही अच्छा खेल रही है। अरे वाह भाई, मम्मी दादी, अकेले अकेले IPL के मजे लूट रहे हो। अबे ओ, तू यहाँ क्यों आई है? अब आके हमारी टीम के ऊपर पनौती मारेगी? चुपचाप खड़ी रहे, यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह मत खोलियो। स्वाति आए और पनौती ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, देखना अभी भी ये पनौती मारेगी। अरे दादी क्यों परेशान हो रहे हो, हाजमा पानी तो ठीक है ना आपका? अरे मेरा हाजमा पानी तो एकदम ठीक है, तू चुपचाप बैठियो और हमको शांति से मैच देखने दियो।
चुपचाप खड़ी रहे, यहाँ आते ही तूने खिटपिट चालू कर दी। अच्छा खास हम अपना मैच देख रहे थे, हमें ना मैच देखने दे और मुंह बंद रखियो, पनौती मत मारियो, पहले बता दिया। अरे भाई रिलैक्स, तेरे को पता है ना मैं आईपीएल लवर हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चुप रह तो फिर, ठीक है ना, हमें मैच देखने दे। अरे भाई देख मेरे आते ही बैट्समैन कितने लंबे लंबे शॉट्स खेल रहा है। ओ उठ हो गया दादी, तेरे को बोला था ना चुप रह। मार दी ना पनौती काली जुबान, चुपचाप खड़ी रह, मैच देखने दे, हमारी टीम को मत हरवा। अरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है, अभी एक ही तो बैट्समैन आउट हुआ है और दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की टीम है, अभी देख अगली बॉल पे सिक्स आएगा। कैच आउट हो गया दादी। अरे यार तू क्यों पनौती पे पनौती मारे जा रही है, तेरे से चुप नहीं रहा जाता क्या? अरे भाई अभी तो मैच का माहौल बना है, तू देखियो मैच ना पक्का दिल्ली जीतेगी। चुप रह तू दादी, ये ऐसे नहीं मानेगी, ये दिल्ली को छठा मैच भी हरवाएगी, इसका ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है इसका जरूर कुछ ना कुछ इलाज करो। आइडिया, क्या शॉट मारा यार डेविड वॉर्नर, तू ऐसे ही खेलता रहे और दिल्ली को जिता दे आईपीएल। हाँ भाई क्या हाल है? हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया। मैच देख रहा है क्या? हाँ देख ले यार तू भी। वैसे इस बार आईपीएल की ट्रॉफी ना केकेआर जीतेगी। अबे ओ कोई मंदिर में हलवा नहीं बट रहा, जो केकेआर जीत जाएगी या कोई और जीत जाएगी, इस बार आईपीएल तो सिर्फ दिल्ली जीतेगी, दिल्ली। अरे हाँ हाँ भाई दिल्ली जीतेगी लेकिन सिर्फ सपनों में। अबे ओए तुझे क्या लगता है तेरी केकेआर जीत जाएगी? अरे लगता क्या है, वो ही जीतेगी, कोरबो लोरबो जीत बो रे, कोलकाता नहीं जीत बो रे, ओनली आमची मुंबई जीतेगी, तो आमची मुंबई जीतेगी। अबे तुम एक बात बताओ, तुम दिल्ली में रह के दिल्ली को ही सपोर्ट नहीं कर रहे? अबे तुम्हारी बंदी लॉयल नहीं थी, कम से कम तुम तो लॉयल हो जाओ दिल्ली के लिए, जहाँ रहते हो उसे सपोर्ट नहीं करते। अबे यार जब तुझे एक बार बोल दी मैंने केकेआर जीतेगी तो केकेआर जीतेगी ना। अबे दिल्ली जीतेगी दिल्ली। अबे ओ आमची मुंबई दिल्ली जीतेगी। अबे केकेआर मुंबई बोल रहा हूँ, दिल्ली जीतेगी। मैंने कह दी मुंबई, अबे दिल्ली जीतेगी। अबे जब बोल दिया। अबे ओए शांत, जब तुम्हें एक बार कह दिया आईपीएल इस बार आरसीबी ही जीतेगी तो तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि विराट कोहली मेरा फेवरेट है, विराट कोहली ही आरसीबी को जिताएगा। ओहो हो हो, विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर है। अच्छा अब ये बताओ विराट कोहली बैटिंग करता है बॉलिंग? विकेट कीपिंग करता है। वुमेन। अच्छा मजाक उड़ाने से क्या होता है, जब कह दिया आरसीबी जीतेगी तो आरसीबी ही जीतेगी। अबे इसको छोड़ो यार, इसे तो यही नहीं पता विराट कोहली बैटिंग करता है बॉलिंग विकेट कीपिंग करता है। तुम सबने देखा नहीं क्या कैसे रिंकू सिंह ने 5 छक्के मार के केकेआर को जिताया था? इस बार की ट्रॉफी केकेआर जीतेगी। अरे वे वो तुक्का था तुक्का, इस बार की आईपीएल तो मुंबई जीतेगी, मुंबई। तुम्हें मैंने एक बार बोला ना दिल्ली जीतेगी तो उसका मतलब दिल्ली जीतेगी। अरे वो केकेआर बोल चुका हूं। अरे यार जीत मुंबई, मुंबई भाई वो ही जीतेगी। अरे मुंबई जीतेगी, लाख की शर्त हो गई, 1 लाख की शर्त हो गई। अबे ओ खरगोश तू जिताएगा क्या मुंबई को? अबे ओ चावल मुंबई तो मुंबई जीतेगी। अरे यार शांत शांत शांत, क्यों लड़ रहे हो यार आपस में? अरे देखियो भाई इनको दिल्ली का मजाक बना रखा है, दिल्ली को सपोर्ट ही नहीं करते कभी भी, कह रहे दिल्ली आईपीएल नहीं जीतेगी। और जो तू मेरी टीम केकेआर का मजाक बना रहा है उसका क्या? अरे भाई क्या हो गया यार, क्यों लड़ रहे हो, शांत हो जाओ ना, इतनी बहस करने का क्या फायदा, इतनी लड़ाई तो वो टीम्स वहाँ ग्राउंड में नहीं करती जितनी यहाँ तुम फैंस करने लग रहे हो। अबे बैंगलोर जीते, दिल्ली जीते, कोलकाता जीते, मुंबई जीते, क्या फर्क पड़ गया, है तो सब इंडिया, वी आर इंडियंस ब्रो, हमें लड़ना थोड़ी चाहिए उन आईपीएल की टीम्स के चक्कर में, अपनी दोस्ती क्यों खराब कर रहे हो तुम लोग? सॉरी भाई सॉरी सॉरी भाई सॉरी भाई, मैंने आपसे लड़ाई करी। अरे कोई बात नहीं यार, आखिर कोई भी टीम जीते हमें क्या, कोई भी जीते। हाँ अबे ओ ऐसे कैसे कोई भी टीम जीते, मतलब ऐसे कैसे कोई भी टीम जीतेगी बे, आईपीएल तो सिर्फ चेन्नई जीतेगी, सीएसके, पता है ना किसकी जर्सी है ये, 7 नंबर धोनी। थाला का लास्ट आईपीएल है, थाला मतलब महेंद्र सिंह धोनी, पता है ना, तो यार धोनी को सपोर्ट करो बेटा, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को अपने आंखों के सामने खेलते हुए देख रहे हैं, लास्ट आईपीएल है धोनी का, इसके बाद कभी धोनी को खेलते हुए नहीं देखोगे।
और इस इंडियन जर्सी की रिस्पेक्ट भी महेंद्र सिंह धोनी ने बढ़ाई है। याद है ना 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप, धोनी ना होता तो जीत जाती इंडिया, नहीं जीत पाती ना। धोनी को सपोर्ट करो भाई, लास्ट IPL है धोनी का। भाई लोग देख लेना, तुम्हारे भाई की भविष्यवाणी है, इस बार का IPL ना RCB जीतेगी। अबे RCB जीतेगी, ये भविष्यवाणी तो पिछले 5 साल से कर रहा है, आज तक तो जीती नहीं। हाँ तो इस बार जीतेगी ना, भरोसा नहीं है तो लगा ले 1000-1000 रुपए की शर्त। अबे नहीं भाई, मुझे नहीं लगानी कोई शर्त वर्त, वैसे भी कोई भी टीम जीते मुझे क्या। अरे यार चुप हो जा, मैच देखने दे। देख ले फिर, मैं क्या कह रहा हूँ तेरे को भाई, ट्रॉफी RCB जीते या ना जीते, लेकिन इस मैच का टॉस RCB जीतेगी। नहीं भरोसा तो लगा 1000-1000 रुपए की शर्त। अबे तू मैच देखने देगा कि नहीं, जब तेरे को बोल दिया मुझे नहीं लगानी कोई शर्त, जब से खून चूसने में लगा है। तो चुप बैठ रहा फिर, तुम लगा रहे हो शर्त, हमें नहीं लगानी कोई शर्त, हमें मैच देखने दे। अट्टू है सारे। ओ भाई भाई देख लेना, विराट कोहली ना पक्का हाफ सेंचुरी मारेगा, भरोसा नहीं है तो लगा ले 1000 रुपए की शर्त। अरे भाई नहीं लगानी यार कोई शर्त, तेरे को बोल दिया ना, मैच देखने देगा कि नहीं देखने देगा, क्यों हमारी जिंदगी आराम कर रहा है यार, देखने दे मैच यार प्लीज। अरे देखो यार देखो, हाफ सेंचुरी होगी विराट कोहली की, मैं तो कह रहा था शर्त लगा ले, बैठे बिठाए 1000 रुपए जीत जाता। तुम लगा रहे हो? ना जी ना। 22 बॉल पे ना पक्का विकेट है, अगर भरोसा नहीं है तो 1000 रुपए की शर्त लगा ले। अबे भाई मुझे नहीं लगानी यार कोई शर्त, जब से मैं आया हूँ तेरे 1000 रुपए की लगी हुई है यार। भाई मैं काम करता हूँ, कल ना पीरागढ़ी के फ्लावर के नीचे खड़ा हूँ और तेरे को 1000 रुपए लाके दूंगा, देखता हूँ तो 1000 रुपए में क्या कर लेगा, अपना घर चलाएगा तो 1000 रुपए में। 1000 रुपए चाहिए यार तेरे को, ले लियो 1000 रुपए यार, मैच देखने दे, तेरे घर पे मैच देखने आए हैं भाई, कुछ तो शर्म कर। ओ भाई कपड़े और चूड़ियां मैं लाके दे दूंगा तुझे, और भाई सुन मेकअप मैं कर दूंगा। अबे तू क्या मेरा मेकअप करेगा, तेरा मेकअप तो भगवान ने ऊपर से करके नहीं भेजा, दांत लगाएगा। ले ले ले, ज्यादा बोलेगा ना गाड़ भी दूंगा। अरे देख भाई देख, मैं तो कह ही रहा था यार विकेट है, तुमने मेरा यकीन ही नहीं करा, लगा लेता शर्त तो पैसे जीत जाता बैठे बिठाए। अच्छा भाई एक बात बता, ये तेरी सारी भविष्यवाणी सच कैसे हो रही है? मैच किसे घर पे देख रहे हो? मैच तो भाई तेरे घर पे देख रहे हैं यार। अरे बस तो फिर, अबे पुराना मैच है पिछले साल का, तुम्हारा फुद्दू काट रहा हूँ मैं इतनी देर से, मेरे को तो ये मैच बॉल टू बॉल याद है बिल्कुल। अच्छा भाई अब तू लगा 1000-1000 की शर्त कि ये तेरे दांत तोड़ेंगे या हम तोड़ेंगे, और सुन जो ये वाला है ना ये तो अपने दांत से ही तेरे दांत तोड़ देगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, इसमें गुस्सा क्यों हो रहा है तेरा मजाक। अबे यार ओ भाई ओ, ओ। अबे ओ भाई तेरे यूनिट टेस्ट है ना, जाके पढ़ता क्यों नहीं, फोन में लगा रहता है 24 घंटे। अबे ओ ज्यादा मास्टर नहीं मत बन के दिखा, मैं कुछ भी करूँ तेरे को क्या, फोन चलाऊं या रिक्शा चलाऊं तेरे को क्या मतलब। जैसे तेरे हालात है ना उस हिसाब से तू रिक्शा ही चलाएगा। अच्छा यहाँ ज्यादा ज्ञान मत पेल, जाके अपना काम कर चल। IPL स्टार्ट हो गया, अब तो नॉन स्टॉप IPL देखूंगा। अरे ऐसे कैसे भाई, भूल जा तू IPL नहीं देख पाएगा। अच्छा कौन माई का लाल है जो मेरे को IPL देखने से रोकेगा? माई का लाल नहीं, माई की लल्ली यानी मैं रोकूंगी तुझको IPL देखने से। तू रोकेगी मेरे को? तू रोकेगी? कैसे रोकेगी बता चल। मैं रिमोट ही तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी, ऐसे रोकूंगी। अच्छा अभी तक तो पढ़ाई पढ़ाई कर रही थी, तेरे को नहीं करनी क्या पढ़ाई अब है? अच्छा तू ज्यादा चलाक है, मैं अकेले अकेले पढ़ाई करूँ और तू IPL देखे, मैं भी डोरेमोन देखूंगी। डोरेमोन? अब तू पागल वागल है क्या, इतनी बड़ी घोड़ी हो रही है अभी भी डोरेमोन देखेगी? अबे उम्र के साथ साथ तेरा दिमाग का बड़ा होगा, डोरेमोन देखेगी। तू देख के दिखा दे, मैं डोरेमोन देखूंगी। तू डोरेमोन देखेगी, मैं IPL देख के रहूंगा चल। मैं डोरेमोन देखूंगी। तेरे को बोल दिया ना मैं IPL देखूंगा। भाई मैं डोरेमोन देखूंगी। अरे निकम्मो अब क्यों लड़ रहे हो तुम? अरे तुम लोगों को शर्म यह है कि नहीं, उधर हॉस्पिटल में अपनी राशि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और तुम लोगों की अपनी राशि? ये राशि अपनी कब से हो गई?
भाई तू ना एक बार को मेरे हाथों से रिमोट छीन सकता है, लेकिन मम्मी और दादी के हाथों से ना आज तक पापा और दादा भी रिमोट नहीं छीन पाए। तू क्या छीनेगा, अब तो तेरा IPL खल्लास। अच्छा ऐसे कैसे खल्लास, साल में बस एक बार तो आता है मेरा IPL, देख के रहूंगा मैं। और इस राशि का क्या है, हर दूसरे दिन हॉस्पिटल में पहुंची जाती है। तो आइडिया दादी, यहाँ टीवी क्या देख रहे हो, पूजा का टाइम हो रहा है, पूजा नहीं करनी, जाके भगवान से प्रार्थना करो। सही याद कराया तूने, पूजा का टाइम तो हो रहा है, पर मैं तुम्हारे लिए क्यों प्रार्थना करूंगी? मैं तो अपनी राशि के लिए प्रार्थना करूंगी ना, बेचारी कितनी बीमार पड़ी है हॉस्पिटल में, मैं जाती हूँ अभी। और मम्मी आपका क्या दिल नहीं भरता क्या ये सीरियल देख देख के? वैसे कितने दिन हो गए आपने मौसी से बात नहीं करी फोन पे? हाँ बेटा कई दिन हो गए तेरी मौसी से बात करे, तो मेरी बात करा दे अपनी मौसी से। लो लाइन पे ही तो है, करो बात। हेलो। हाँ बहन, तेरे को पता है राशि हॉस्पिटल में एडमिट है? और तेरी सास ठीक है? मेरी भी बढ़िया है। ओए लकी लकी ओए, और लकी ओए, ओए लकी लकी ओए। गुजरात टाइटंस आए मैदान में शेरों से। ये हार्दिक हार्दिक यस। जो बका मौजे दरिया। तो गाइस आप लोगों में से किस किस ने वाली ट्रिक आजमाई है IPL देखने के लिए, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। जोश की मान कर, अदियों के कान में चिल्ला चल। बेबी मैं तो पार्टी में बोरी हो जाऊंगी आपके बिना, काश आप भी मेरे साथ चलते तो मुझे कितना अच्छा लगता। यार बेबी तुम्हें तो पता है ना यार, आज ऑफिस में कितना काम था, तो इसीलिए ना मेरे सर में हेडेक हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज तुम जाओ पार्टी में एंजॉय करो, हम नेक्स्ट टाइम कभी साथ में चल लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम ना दवाई लेकर सो जाना ठीक है। हाँ, और आराम करना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, बाय बाय। ओ यस, मेरी बीवी तो गई पार्टी में, अब नहीं आने वाली 3-4 घंटे से पहले, एक नंबर की चटोरी है, आराम से आएगी। अब मैं देखूंगा IPL। अपने दोस्तों को फोन करता हूँ, बुला लेता हूँ। हेलो, आ जाओ भाई आ जाओ घर पे, राजस्थान का मैच स्टार्ट होने वाला है भाई। चलो भाई अपना मैच लगाते हैं, राजस्थान वैसे भी पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है, ये वाला IPL तो राजस्थान ही लेके जाएगी। शिट यार, मैं गाड़ी की तो ऊपर ही भूल गई। एक काम करती हूँ, इनको कॉल करती हूँ, ये आकर नीचे मुझे की दे जाएंगे। लेकिन एक मिनट, नहीं नहीं इनको तो वैसे इतना हेडेक हो रहा है, अगर मैं कॉल करूंगी और नीचे आएंगे खामखा परेशान होंगे। एक काम करती हूँ मैं ही जाके ऊपर ले आती हूँ, 2 ही मिनट तो लगेंगे। अरे यार कमीने आ भी गई इतनी जल्दी। चलो कोई नहीं, वैसे भी मैच स्टार्ट होने वाला है, गेट खोल देता हूँ। आओ भाई लोग आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार। इंतजार? किसका इंतजार था? अब तुम्हें तो हेडेक था ना? पर ये क्या हुलिया बना रखा है? अच्छा अब समझी, इसलिए तुम मुझे पार्टी में अकेले भेज रहे थे ना, ताकि तुम यहाँ बैठ के IPL देख सको। तुम्हारा IPL तो मैं निकालती हूँ। Baby, I will explain. पागल बना रखा है, पागल बना रखा है। IPL देखना, IPL देखना तुम्हें। Sorry, baby, sorry. क्या sorry है? हाँ भाई, आज तो मुंबई इंडियंस जीतेगी। अरे भाई, राजस्थान रॉयल के बैंड बजा देंगे। अच्छा, आ गए लफंडर लोग। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी IPL दिखाती हूँ मैं। अरे अरे नहीं नहीं मैडम, हम तो कूड़ा उठाने वाले हैं। चल भाई चल, यहाँ कुछ नहीं होना, तेरे घर मैच देखेंगे। चल भाई की शक्ल है, चल 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 निकल यार यहाँ से, जल्दी निकल। तुम तो